नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आप लोगों का गाइडलाइन यूट्यूब चैनल में। आप लोगों के सामने आज हम लेकर आए हैं सीटेट 2018 से संबंधित कुछ खास बातें। जो 9 दिसंबर को एग्जाम होने वाला है सीटीईटी, उसमें बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो प्रथम बार इस एग्जाम को दे रहे हैं, बैठ रहे हैं। खास तौर पर उन लोगों के लिए हमारा ये वीडियो काफी उपयोगी होगा। दोस्तों, आपको पता है कि 9 दिसंबर को ये सीटीईटी एग्जाम होने वाला है और उसमें बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि अच्छी खासी तैयारी होने के बावजूद भी उनका एग्जाम नहीं निकल पाता। टाइम मैनेजमेंट या कभी होता है क्वेश्चन सारे टाइम पर नहीं कर पाते हैं, इस तरह की कई सारी समस्याएं आती है। क्योंकि मैं भी 2011 से लगातार सीटेट के एग्जाम दे रहा हूं, हमारे अपने भी कुछ अनुभव है। मैं उन सारे अनुभवों को आपसे शेयर करूंगा और कौन कौन सी परेशानी बच्चों के सामने आती है और उन सारी परेशानियों से कैसे बचे, उसका समाधान कैसे करें, आज हम उस पर आपसे चर्चा करेंगे। और आज हम इस पर भी चर्चा करेंगे कि एक ही बार में आप सीटेट में एग्जाम दे रहे हैं तो एक ही बार में इस एग्जाम को आप कैसे पास कर जाए, उस पर हम काफी चर्चा करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। चलिए हम शुरुआत करते हैं। सीटेट का जो एग्जाम होता है 2.5 घंटे का, उसमें जो मुख्य समस्याएं आती है उसको हमने 4 भागों में बांट दिया। कौन कौन सी समस्याएं आती है? प्रथम है OMR सीट का फिलिंग प्रॉपरली। जैसे हम जो इन 4 बातों को आपसे शेयर करने जा रहा हूं, इन सारी बातों पर आप अगर अच्छे से गौर करेंगे, आपकी अगर तैयारी अच्छी नहीं भी है फिर भी आप इस एग्जाम को में अच्छा मार्क्स ला सकते हैं। पहला है OMR सीट फिलिंग। सबसे पहले आप OMR सीट को अच्छी तरह से फिलिंग करें। आपका नाम है, रोल नंबर है और बुकलेट नंबर है वगैरह जो भी होता है, अच्छे से इसका भर ले। क्योंकि कई बार ऐसा होता है, हमने देखा है बहुत सारे बच्चे को हमने देखा है कि लगभग 5-7% ऐसे बच्चे होते हैं जिनका OMR सीट गलत होता है, जिनका रिजल्ट नहीं आ पाता। इसलिए कम से कम 5-10 मिनट का समय इस पर देकर अच्छे से इसका फिलिंग कर ले। अगर आप इसको प्रॉपरली फिलिंग नहीं करते हैं तो आपका रिजल्ट नहीं आएगा, आपको पता, ठीक है। इसलिए सर्वप्रथम OMR सीट को अच्छी तरह से भर ले। उसके बाद है, सेकेंड है लैंग्वेज सेक्शन। लैंग्वेज सेक्शन में बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, गलतियां कर बैठते हैं। हमने देखा है, हमारे बहुत सारे साथियों ने लैंग्वेज सेक्शन, जैसे लैंग्वेज 1 का जो क्वेश्चन अटैम्प करना है उसमें लैंग्वेज 2 का दे देते हैं। उसमें हम बताएंगे आपको, जैसे लैंग्वेज सेक्शन में क्या होता है कि आपने कौन सा लैंग्वेज लिया है पहले इसका कन्फर्मेशन कर ले। आपने लैंग्वेज 1 में अगर हिंदी लिया है, बहुत सारे बच्चे लैंग्वेज 1 में हिंदी लेते हैं, तो आपका 91 से शुरू होता है लैंग्वेज 1 और 120 तक, क्वेश्चन नंबर 91 से 120 तक लैंग्वेज 1 शुरू होता है। और लैंग्वेज 2 121 से शुरू होता है 150 तक, इसका आप ध्यान रखेंगे। इसमें बहुत सारे बच्चे प्रॉब्लम कर लेते हैं, जिसका कारण ये होता है कि उनका नंबर तो आता है ठीक, मगर रिजल्ट पेंडिंग में चला जाता है। इसलिए लैंग्वेज सेक्शन पर काफी ध्यान देने की जरूरत है। थर्ड है टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट क्या होता है, बहुत सारे बच्चे की तैयारी अच्छी रहती है फिर भी उनकी तैयारी जो है धड़ी की धड़ी रह जाती है। वो आकर बोलते हैं एग्जामिनेशन हॉल से बाहर निकलने के बाद कि हमारी तैयारी तो अच्छी थी, बहुत सारे क्वेश्चन हमें आ रहे थे लेकिन छूट गया, हमें समय नहीं मिल पाया। आज हम आपको बताएंगे कि सारे के सारे क्वेश्चन, 150 के 150 क्वेश्चन आप कैसे सोल्व करेंगे, सारे क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करेंगे, उस पर भी हम चर्चा आपको टाइम मैनेजमेंट में हम आगे करेंगे। दूसरा बात है टच ऑल क्वेश्चन। क्योंकि सीटेट में निगेटिव मार्किंग नहीं है, 150 का जो एग्जाम होता है उसमें 150 क्वेश्चन आते हैं, तो आपको क्या करना होगा, सारे के सारे क्वेश्चन को क्या करना होगा, टच करना होगा, कोशिश सही करनी होगी आपकी तैयारी जैसी भी है। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि हमने मैथ के कुछ क्वेश्चन छोड़ दिए, मुझे नहीं आ रहे थे। छोड़ने से क्या फायदा, क्योंकि उसका नेगेटिव मार्किंग मिल नहीं रहा है। अगर आपके पास समय है तो सारे के सारे क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट करें, उसे जो भी हो समय बचता है, जो क्वेश्चन नहीं भी आ रहा है उसको भी टिक लगा कर आए। हो सकता है आप अगर 10 या 15 टिक लगाते हैं जो आपको नहीं भी आ रहा, उसमें से 2-4-5 नंबर आ जाए। और अक्सर यह देखा जाता है कि बहुत सारे बच्चे 1 या 2 नंबर से फेल हो जाते हैं, ठीक है। हमने 4 बातें बताई। इसमें क्या है कि टाइम मैनेजमेंट पर हम कुछ विशेष चर्चा करना चाहते हैं। टाइम मैनेजमेंट में क्या, हमने कुछ सेक्शन 6 सेक्शन में बांटा है टाइम को। आपको 2.5 घंटा का समय मिलता है, उसमें से सबसे पहले आपको 15 मिनट कम से कम
15 मिनट आपका समय ले ही लेता है। बहुत सारे बच्चे इस पर ध्यान नहीं देते हैं और बाद में कहते हैं कि समय हमें नहीं मिल पाया, क्योंकि आपका OMRC 15 जो मिनट है वो ले लेता है और आपको पता नहीं चलता है और उसका ख्याल आप बाकी के विषयों पर आप नहीं रखते। इसलिए OMRC के लिए 15 नंबर निकाल दिए, 2.5 घंटा में 15 मिनट जो है वो निकल गया। उसके बाद जो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी है उस पर आप 20 मिनट का समय रखिए, क्योंकि ज्यादातर देखा जाता है एग्जामिनेशन हॉल में सामने दीवार घड़ी जो है लगी रहती है, या जो आपके जो शिक्षक वहाँ एग्जाम लेते हैं उनके पास वो घड़ी रहती है, उनसे देखकर पूछकर या दीवार घड़ी पर ध्यान देकर 20 मिनट से ज्यादा 40 सेकंड पर समय नहीं देना है, इसका ख्याल रखना है। उसके बाद हम आगे आते हैं, मैथ को हम छोड़ते हैं, EVS पर 20 है, हिंदी पर 20 मिनट और संस्कृत पर भी 20 मिनट, यानी कि जो भी आपका जो लैंग्वेज सेक्शन है उस पर 20 मिनट का, EVS पर भी है और चाइल्ड डेवलपमेंट जो एंड पेडागोजी उस पर भी 20 मिनट का समय देना है। ठीक है, तो 15 15 20 और ये 20 मिलाकर कुल हो जाते हैं 85 मिनट। ठीक है, 95 मिनट हो जाते हैं, तो बचते हैं आपके पास 55 मिनट। ये 55 मिनट का समय आपका मैथ के लिए छोड़ दीजिए, क्योंकि मैथ में काफी समय लगता है। ठीक है, उसमें ध्यान देना है कि अगर आप EVS बना रहे हैं उस पर 20 मिनट से ज्यादा का समय नहीं देना है, इसका ख्याल रखना है कि 20 मिनट में हमको हर हाल में बना लेना है। अगर यह आपको 15 मिनट में ही बन जाए तो इसमें से 5 मिनट निकाल कर दूसरे सब्जेक्ट में क्या करना है, मेंटेन करना है, या इसमें मैथ के लिए इसको क्या कर देना है, ऐड कर देना है। इस तरह अगर आप टाइम मैनेजमेंट सही से करते हैं आपके सारे के सारे क्वेश्चन 150 के 150 क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कर पाएंगे, और जब आप 150 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेते हैं तो निश्चित तौर पर आपका रिजल्ट आएगा। तो दोस्तों हमारा वीडियो अगर आपको ये अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। हमारा वीडियो आपने देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।